Why don't you represent one? Why don't you represent one India? Why don't you represent one unity? So hamara jo oneness hai, wo oneness actually diversity ko represent karta hai. Emotional people, and we think the reality and emotion for us, we have one mother, we have one father, and what we believe is one, and we need a single, as a representative of a student, being from student background, I say, no leftist, no rightist, no ABAP, or no all those, all so-called parties or polities, why don't you stand for one nation? Why don't you stand for one student power? Why do we need one side Zindabad, one side Inkilab, one side Zehin, and one side your favorite Mr. Madam? All those Rams, all whatever it is, why don't you represent one? Why don't you represent one India? Why don't you represent one unity? Why don't you give us a single policy rather than saying all these what you have said with due respect for you, with due respect for your PhD, why don't you please respect and please propose one unity and one topic saying which is uniting the entire country, so that the topic says youth is in the crossroad. And my dear sir, yes, youth is in the crossroad, but we are having set our eyes on the goals and we are on our path. Why don't you please say one policy for entire country? And if I permit, and I say Bhola Bharat Mata Ki Jai Hind. Dekhiye, baat ye hai कि मेरी पैदाइश ही दो लोगों के मिलने से हुई है. मेरे माँ बाप की शादी नहीं होती तो हम पैदा नहीं होते. मेरे माँ और बाप दो लोगों की शादी हुई, और ऑब्वियसली शादी होने के बाद जो वो किए होंगे उसके चलते हम पैदा हुए हैं, तो उसमें दो लोग मिले हैं. रही बात कि वन नेशन का क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं, तो नेशन तो वन ही है, भारत एक है, इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन इस एक भारत को रिप्रेजेंट करने वाला जो एक संविधान है उसमें 300 से ज्यादा आर्टिकल हैं, मोर देन 300 आर्टिकल्स हैं उस एक कॉन्स्टिट्यूशन में. और जो आप कह रहे हैं कि वन नेशन, उस वन नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक पार्लियामेंट है उसमें भी दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, और उसमें से जो चुन करके लोग जाते हैं उसमें भी कोई एक लोग नहीं जाते हैं, उसमें 545 मेंबर्स जाकर के पहुंचते हैं. तो हमारा जो वननेस है वो वननेस एक्चुअली डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसमें डाइवर्सिटी है. और आपने जो सवाल पूछा, जय श्री राम आप बोलिए, ये आपकी आजादी है, आप जय श्री राम बोलिए, जय हनुमान बोलिए, आपको जो बोलना है बोलिए, क्योंकि इस बात को बोलने की इजाजत हमको हमारा संविधान देता है. इसीलिए मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि आप कभी कभी उस संविधान की भी जय बोलिए जो आपको बोलने की आजादी देता है. और रही बात मेरी, तो मैं आपको बता दूं, मेरा तो जन्म ही मिथिला में हुआ है. मेरा जो घर है वो घर जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूं उसका नाम बेगूसराय है, और वो मिथिला में आउट होता है. अगर आप मेरे यहां आएंगे तो आपको बड़ी आश्चर्य लगेगी, हमारे गांव में हर साल ये जो अगहन का महीना होता है हिंदी का, उसमें अयोध्या से बारात आती है और लड़के आते हैं बाराती बन करके, और राम लक्ष्मण आते हैं बर बन करके. और हमारे गांव में राम जानकी मंदिर है जहां पे हर साल राम विवाह होता है. और मैं मजेदार बात आपको बताता हूं, मिथिला के जो लोग होते हैं वो राम जी को गाली देते हैं, पता है क्यों? क्योंकि मिथिला राम जी का ससुराल है और इस लिहाज से वो राम जी का को मजाक करते हैं. हमारी संस्कृति में जब शादी ब्याह होता है तो जो बारात आती है तो बारातियों को सारातियों के द्वारा गालियां सुनाई जाती है, उनको गालियां दिया जाता है. जब आप हमारे यहां आएंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि राम जो भगवान है उनको स्वागत में लोग गालियां दे रहे हैं, ये हमारा ट्रेडिशन है.
और हम जिस संस्कृति जिस कल्चर में पले बढ़े हैं वहां कभी भी किसी भी भगवान को अकेले नहीं याद किया जाता है। आपने कहा ना वननेस, उनको अकेले नहीं याद किया जाता है, हमेशा राम को सीता के साथ और राधा को कृष्ण के साथ याद किया जाता है। ये हमारी परंपरा रही है। मैं आपको कहता हूं इस देश को घूमिए, यह देश इतना शानदार है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, और आपको कई बार अपने आप को छोटा और तुच्छ महसूस होगा कि हम कितना तुच्छ हैं इस देश के सामने। आई डोंट नो कि आपको किसने और क्यों दिमाग में इन चीजों को डाला है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि इस देश में जो लोग पैदा हुए हैं उनके लिए इससे ज्यादा गौरव की बात नहीं हो सकती है। अगर आप हिमाचल जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आप स्विट्जरलैंड में हैं, और अगर आप मैंगलोर और गोवा के बीच पे सोएंगे तो आपको लगेगा जैसे मियामी के बीच पे लेटे हुए हैं। अगर आप इस देश के मैदानों में घूमेंगे तो आपको लगेगा कि ये अमेरिका के उस ग्रीन मैदान से भी ज्यादा बड़ा मैदान है। अगर आप दक्षिण के पठारों में घूमेंगे तो इसकी अपनी एक खास बात है। अगर आप छोटा नागपुर के पठारों में घूमेंगे तो वह खनिज संसाधनों से भरा हुआ है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपका देश आपका है जैसे आपकी माँ आपकी है, और आप अपनी माँ से यदि प्यार करते हैं तो ये आपका निजी मामला है। लेकिन जब आप रोड पे चल रहे हो, कोई आए कोई भी रंग का झंडा लेकर के और कोई भी नारा लगा करके, चाहे वो इनकलाब जिंदाबाद बोले या जय श्री राम बोले, वो नारा लगा करके वो झंडा दिखा करके आपसे कहे कि तुम अपनी माँ से प्यार करते हो जरा करके दिखाओ, तो आपका क्या जवाब होगा? यह देश हमारा है, इस देश से हम प्यार करते हैं, और हमारे लिए, इस बात को याद कीजिएगा, हमारे लिए प्यार नुमाइश की चीज नहीं है। हम प्रेम करते हैं और अपने दिलों में लेकर के घूमते हैं।